वो वाला माइक भी दे दो, उसके भी लगा देता हूँ। ये बेकार दिखेगा क्या है? छोटा वाला वो नहीं है, एक था ना, है अजीब दिखेगा। चलो कोई नहीं, मेरे को नहीं चलेगा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज बहुत कम है, नहीं यार मेरा गला बैठ जाता है। स्टार्ट करें, चलो चलिए भाई। तो कल हमने मगध का उत्कर्ष देखा था, अब मगध के उत्कर्ष के बाद आज हम एक नया धर्म को देखेंगे जिसका नाम क्या होगा? बौद्ध धर्म। आज का क्लास जो होगा वो बौद्ध धर्म का होगा। ठीक है चलिए। विदेशी आक्रमण इसके बाद, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब आएंगे ना उसके बाद, ठीक है, इसलिए मैं उसको वहां पर रुका हुआ हूँ, ईरानी को। चले तो लिखेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 6वीं ईसा पूर्व में हमारे भारत में कुल मिलाकर कितने महाजनपद थे? 16। उन 16 महाजनपद में वो महाजनपद बताइए, उन 16 महाजनपद में आप लोग वो महाजनपद बताइए जो वज्जी संघ का भाग था या गणतंत्र व्यवस्था था। दो थे, क्या क्या? वज्जी संघ और मल संघ। मैंने आपको बताया था भाई वज्जी संघ जो था वो 8 गण का एक संघ था, और जो 8 गण थे वो 8 गण क्या क्या थे? पहला वैशाली के लिच्छवी, दूसरा मिथिला के विदे, तीसरा पिपलीवन के मौर्य, चौथा केशपुत के कलाम, अलकब के बोली, सुषमगिरी के मग, कपिलवस्तु के सांख्य और रामग्राम के कोलीय। तो मैंने अंतिम में दो नाम लिया है, एक नाम मैंने क्या लिया है? रामग्राम के कोलीय और कपिल वस्तु के साख। क्या क्या? रामग्राम के कोली और कपिल वस्तु के साख। यही दो गढ़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हमको पढ़ना है क्या है? बौद्ध धर्म अगर पढ़ना है तो ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था कि आज वर्तमान का जो बिहार है, आज वर्तमान का जो क्या है? बिहार है, वो प्राचीन काल का एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? मगध। तो ये आपका क्या है? बिहार है। और अगर ये बिहार है तो ये प्राचीन काल का क्या है? मगध महाजनपद है। अगर आज आप वर्तमान में देखोगे तो बिहार का ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या है? चंपारण। क्या नाम है? चंपारण। इसको बोलेंगे वेस्ट चंपारण। यहां पर क्या है? ईस्ट चंपारण। वैसे मैं आपको बिहार नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आप ये ध्यान देते जाओ, ये सब काम आएगा हमारा। इधर में क्या है? चंपारण है। ये क्या आपका? वेस्ट चंपारण। ये क्या है? ईस्ट चंपारण। ठीक, यहाँ पर सिवान है। क्या आपका? सिवान। ये सिवान है तो यहाँ पर एक नदी बह रही है, और नदी का नाम क्या है बताएंगे? नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। तो आप ये देखोगे कि ये आपका जो बिहार है, बिहार में बीचों बीच एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? गंगा। क्या है? गंगा नदी। ठीक, यहाँ पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है? घाघरा। ये क्या आपका? घाघरा। ठीक, घाघरा के इधर से एक नदी इसे आगे मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? गंडक। क्या नाम है? गंडक। और ये गंडक है तो गंडक के आगे भी यहाँ से एक और नदी इसे मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। तो ये क्या है? घाघरा है। ये क्या है? घाघरा। घाघरा के बाजू में क्या है? गंडक। गंडक के बाजू में क्या है? बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक। इसके ठीक यहाँ पर आपको एक और नदी मिलेगी जिसका नाम क्या है? कोसी। क्या नाम है? कोसी। तो यहाँ पर एक और नदी आके मिल गई, कौन सी है? कोसी। और ठीक यहाँ पर भी एक नदी आपकी मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? तो महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ठीक है, हम कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ने वाले हैं क्या? बौद्ध धर्म। लेकिन आप ये देख लो, ये नदी कौन सी है? क्या है? घाघरा।
क्या नदी है ये? घाघरा। घाघरा नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना, बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज घाघरा। तो ये क्या आपका? घाघरा है। घाघरा के बाजू में क्या है? गंडक। क्या आपका? गंडक। गंडक के बाजू में क्या है? बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाजू में क्या है? कोसी। और कोसी जो है वो बिहार का क्या है? सोक है। तो सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बिहार इज कोसी। कोसी यहां पर क्या लेके आता है? बाढ़ लेके आता है। ये क्या हुआ आपका? कोसी। कोसी के बाजू में क्या है? महानंदा। ये क्या आपका? महानंदा। क्लियर ये? क्लियर ये? अभी ध्यान देना, यहां पर आपका भागलपुर है। क्या है? भागलपुर। ये ठीक आपका क्या है? पटना है। क्या है? पटना। पटना के ठीक ऊपर वैशाली, गंगा नदी के उस पार क्या है? वैशाली। गंगा नदी के इस पार क्या है? पटना। गंगा नदी के उस पार क्या है? वैशाली। गंगा नदी के इस पार क्या है? पटना। इसी गंगा से एक नदी आके मिल रही है कहां पर? पटना में, जिसका नाम क्या है? सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। तो यह नदी कौन सी हो गई? सोन। क्या नदी है ये? सोन। सोन के बाजू में यहां पर एक नदी है जो गंगा से मिलेगी, जिसका नाम क्या है? पुनपुन। क्या नाम है? पुनपुन नदी। क्या नदी है? पुनपुन। और पुनपुन के बाजू में यहां पर एक नदी से नाम है क्या? तो फाल्गु। क्या नाम है? फाल्गु। तो एक नाम क्या है? पुनपुन। एक नाम क्या है? फाल्गु। क्या बोलो? पुनपुन और क्या है? फाल्गु। और इसी पुनपुन और फाल्गु के बीच में यहां पर क्या है? गया। क्या नाम है? गया। ये गया काम आएगा हमारा भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ये क्या है आपका? पटना। पटना के ऊपर में क्या नदी है? पटना के उत्तर में क्या नदी है? गंगा। गंगा को पार करोगे पटना से, कहां जाओगे? वैशाली। कहां जाओगे? वैशाली। तो गंगा को पार करेंगे कहां जाएंगे? वैशाली। वैशाली के ठीक ऊपर मुजफ्फरनगर। क्या नगर है? मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये क्या आपका? मुजफ्फरनगर। नीचे में क्या है? वैशाली। क्या आपका? वैशाली, ठीक है। और इसी वैशाली के यहां पर क्या है? पटना। ये क्या है? पटना। और पटना के ठीक नीचे नालंदा। क्या ना है? नालंदा, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि बीच में पटना, बीच में क्या है? पटना। पटना के ऊपर में क्या? वैशाली। पटना के नीचे में क्या? नालंदा। पटना के ऊपर में क्या? वैशाली। पटना के नीचे में क्या? नालंदा। क्या है? नालंदा। और पटना के पूर्व में क्या है? भागलपुर। क्या है? भागलपुर। असी भागलपुर में विक्रमशिला है। क्या है? विक्रमशिला। भारत में पाए जाने वाले दो प्राचीन विश्वविद्यालय, एक का नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, और एक का नाम क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? भागलपुर में। कहां पर है? भागलपुर में। फिर बताएंगे, बीच में नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा के ऊपर में क्या है? वैशाली। गंगा के नीचे में क्या है? पटना। पटना के नीचे में क्या है? नालंदा। पूर्व में क्या है? भागलपुर। भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और नदी दो मिल रही है आपको, पुनपुन और क्या? फाल्गु। क्या बोलो? पुनपुन और क्या? फाल्गु। और पुनपुन और फाल्गु के बीच में क्या है? गया है। क्या है? गया है। क्लियर ये? मैं पूरा बिहार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ना हमको क्या है? बौद्ध धर्म। लेकिन ये काम आने वाला है, ये काम आएगा भी आपका, ठीक है। कैसे काम आएगा ये देखो। इसके इधर जाओगे तो नेपाल है। इधर में क्या है? नेपाल। मतलब चंपारण के इधर में क्या है? नेपाल है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो। तो ये बात है छठवीं ईसा पूर्व की। हमने ये देखा कि छठवीं ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के बाद हमने ये देखा कि कर्म कांड से परेशान होकर हमारे भारत में दो बड़े बड़े धर्म का क्या होगा? स्थापना होगा। दो बड़े बड़े धर्म का क्या होगा? स्थापना होगा। उन बड़े धर्म में पहला नाम आएगा बौद्ध धर्म और एक नाम क्या आएगा? जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अभी क्या होने वाला है? स्थापना होने वाला है। और ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थापना कब होने वाला है? छठवीं ईसा पूर्व में, जब हमारा भारत, जब हमारा पूरा भारत कितना? 16 महाजनपद में क्या था? विभाजित था। भारत में कितने महाजनपद थे? 16। और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? छठवीं ईसा पूर्व में। और इसी छठवीं ईसा पूर्व में आपके पास कितने क्या आएंगे? दो धर्म आने वाले हैं। एक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। और एक का नाम क्या है? जैन धर्म। तो पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की कहानी यहां से चालू होगी। मैंने आपको बताया था कि उन 16 महाजनपदों में दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र व्यवस्था था। मतलब यहां पर भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, लेकिन कुछ कुलीन वर्ग के ही लोग यहां पर क्या बन रहे हैं? राजा बन रहे हैं। ये आज का जनतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र थोड़ा अलग है। यहां पर राजा कुलीन वर्ग के लोग बन रहे हैं। कहां पर?
वज्जी संघ में। कहां पर? वज्जी संघ में। वज्जी संघ में कितने गण? आठ गण। कितने गण है? आठ गण। इन आठ गण में मैंने एक नाम लिया, क्या? कपिल वस्तु के सांख्य। कपिल वस्तु यहां है, यहां पर क्या है? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के क्या? सांख्य। क्या बोलो? कपिल वस्तु के क्या? सांख्य। तो मतलब कपिल वस्तु के सांख्य, मतलब सांख्य एक गण है। सांख्य क्या है? गण है। और उस सांख्य गण का जो राजधानी है वो क्या है? कपिल वस्तु है। वो क्या है? कपिल वस्तु। तो मैंने बोला एक गण क्या है? सांख्य। और इस सांख्य गण की जो राजधानी है वो क्या है? कपिल वस्तु है। वैसे ही आपको एक और गण मिलेगा जिसका नाम क्या है? राम ग्राम के कोलीय। क्या बोलो? राम ग्राम के कोलीय। क्या बोलो? राम ग्राम के कोलीय। तो राम ग्राम के कोलीय मतलब राम ग्राम एक स्थल है जहां पर कौन रहते हैं? कोलीय लोग। कौन रहते हैं? कोलीय। तो एक और गण आपको मिला जिसका नाम क्या है? कोलीय गण। तो दो गण, कौन कौन सा गण? सांख्य गण और कोलीय गण। तो आप बताओ कि सांख्य गण की राजधानी क्या थी? कपिल वस्तु। क्या बोलोगे आप? कपिल वस्तु। तो जो कपिल वस्तु है ये राजधानी है किसका? सांख्य गण का। और वही कोलीय गण की जो राजधानी है, कोलीय गण की जो राजधानी है वो क्या है? रामग्राम। वो क्या है? रामग्राम। क्लियर है ये? तो दो जगह आपको मिला, क्या क्या? सांख्य, क्या मिला? कपिल वस्तु और रामग्राम। कपिल वस्तु में कौन रहते हैं? सांख्य। और रामग्राम में कौन रहते हैं? कोलीय। कौन रहते हैं? कोलीय। ये बात है 563 ईसा पूर्व की। हालांकि 563 ईसा पूर्व से 2-3 साल पुरानी बात है। ये होगा ये कि ये जो सांख्य गण और ये जो कोलीय गण है, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था रोहित नदी। क्या नाम था? रोहित नदी। तो इनके बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? रोहित। तो बताओ भाई, कपिल वस्तु और रामग्राम के बीच में कौन सी नदी है? रोहित नदी। दो गण, नाम क्या है? सांख्य गण और कोलीय गण। सांख्य गण और कोलीय गण के बीच में जो नदी है वो नाम क्या है? रोहित है। क्या नाम है? रोहित है। होगा ये इसी रोहित नदी को लेकर इन दोनों गण में काफी लंबे समय तक विवाद चलता था। और आपको ये मालूम है कि ये दोनों गण किसके अंतर्गत थे? वज्जी संघ के अंदर। और संघ के अंदर अगर कोई विवाद हो जाएगा तो संघ का यूनिटी क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी था कि इस विवाद को क्या किया जाए? सुलझाया जाए। विवाद किसके बीच है? किसके बीच है? सांख्य गण और कोलीय गण। आप लोग लिखना बंद कर दो, आप लोग पहले सुनो, मैंने कहानी बता रहा है। मैं कहानी बताऊंगा, अब ऐसा तो नहीं लिखोगे मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओगे कहानी जैसा, है ना? राइटर नहीं बनना है आप लोगों को। पहले बताओ कितने गण हैं? दो गण। क्या क्या गण है? सांख्य गण और कोलीय गण। सांख्य गण और कोलीय गण के बीच में नदी कौन सी है? क्या नदी है? रोहित नदी। विवाद क्या है? रोहित नदी। किनके बीच है? सांख्य गण और कोलीय। सांख्य गण की राजधानी क्या? कपिल वस्तु। कोलीय गण की राजधानी क्या क्या है? रामगढ़ है। अब ये ध्यान दो, ये जो सांख्य गण और जो कोलीय गण है, इन दोनों के बीच में एक जंगल हुआ करता था, एक अरण्य हुआ करता था। और ये जो अरण्य है इसका नाम था लुम्बिनी। क्या नाम था? लुम्बिनी। तो यहां पर एक क्या है? अरण्य है। और इस अरण्य का नाम क्या है? लुम्बिनी वन। क्या वन है ये? लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी कहां पर है? कपिल वस्तु के पास। लुम्बिनी कहां पर है? रामगढ़ के पास। आज वर्तमान में कहां पर है? नेपाल में। तो आपके पास एक जंगल मिला, कौन सा? लुम्बिनी। क्या बोलो? लुम्बिनी। क्लियर ये? तो एक जंगल हमको मिल गया, कौन सा? लुम्बिनी। अब होगा क्या? अब होगा ये 565 ईसा पूर्व में सांख्य गण के एक राजा थे जिनका नाम था सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। तो यहां पर एक राजा का नाम मुझे मिला जिसका नाम क्या है? सुदोधन। और वही रामगढ़ में या कोली वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या था? अजन। नाम क्या था? अजन। तो दो राजा, एक नाम क्या है? सुदोधन, एक नाम क्या है? अजन। और इन दोनों के बीच में क्या है? विवाद है। किस नदी को लेकर? रोहित नदी को लेकर। क्लियर ये? ठीक है, तो आप बताओ कपिल वस्तु के राजा कौन? सुदोधन। रामग्राम के राजा कौन? कौन है? अजन है। अभी ध्यान देंगे आप लोग, अजन की जो पुत्री थी उसका नाम था मां महामाया। नाम क्या था? मां महामाया। तो मां महामाया किनकी पुत्री थी? राजा अजन की। तो मां महामाया कौन से गढ़ की थी?
कोलियगढ़ की। कहां से थी? रामगढ़। कहां से थी? रामग्राम। तो रामग्राम से संबंधित आपको एक माता का नाम मिल रहा है, इसका नाम क्या है? मां महामाया। और मां महामाया किनकी पुत्री थी? राजा अजन की। और राजा अजन का विवाद किससे था? सुदोधन से। किस चीज को लेकर? रोहित नदी को लेकर। तो क्यों नहीं हम क्यों? तो हमको यहां पर इस अड़चन को, इस विवाद को सुलझाना है। बिल्कुल सुलझाएंगे। और सुलझाएंगे कैसे? ये दोनों आपस में, ये दोनों गढ़ आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे और यहां पर एक विवाह होगा। और ये विवाह किसका होगा? सुदोधन और महामाया का। तो सुदोधन और महामाया का जब विवाह हो जाएगा तो रोहित नदी का विवाद अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब ये दोनों गढ़ के बीच में क्या हो गया? रिलेशन बन गया। कैसा रिलेशन बना? एक अलायंस हुआ। कैसा? मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। किनके बीच में? सुदोधन और अजन के बीच में। सुदोधन ने अजन की पुत्री महामाया से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। महामाया से क्या कर लिया? उसने विवाह किया। क्लियर ये? क्लियर ये? चलिए अब कहानी आगे बढ़ेंगे। इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को? अब होगा ये, सुदोधन और मां महामाया का विवाह होता है। विवाह होने के कुछ वर्ष पश्चात मां महामाया को हर रात सपने में एक सफेद हाथी आते थे। उनके सपने में एक सफेद हाथी आते थे। उस सफेद हाथी की एक खास बात थी कि उस सफेद हाथी के कुल मिलाकर 6 क्या थे? दांत थे। इस हाथी को पुराणों में, इस हाथी को पुराणों में इंद्र का हाथी बोला गया है। और इंद्र का हाथी क्या है? ऐरावत। क्या है? ऐरावत। समझो, मां महामाया के सपने में हर रात कौन आते थे? ऐरावत आते थे। और ऐरावत उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते थे। मां महामाया इस बारे में, इस चीज के संबंध में इन्होंने चर्चा किया अपने गुरु से। उनके गुरु इनको ये बताए कि आने वाले समय में तुम एक पुत्र रत्न को प्राप्त करोगी और जो तुमको पुत्र रत्न प्राप्त होगा वो बुद्ध होगा। क्या होगा? बुद्ध होगा। मतलब मां महामाया को ये पता चल चुका था कि उनका जो पहला जो पुत्र है वो पुत्र क्या बनेगा? बुद्ध बनेगा। क्या बनेगा? बुद्ध। ठीक है। तो माता के सपने में हमेशा कौन आता था? ऐरावत आता था। उस ऐरावत का चर्चा उन्होंने अपने गुरु से किया, जिसके बारे में ये जानकारी उनको मिल गया कि आने वाले समय में वो एक पुत्र रत्न को प्राप्त करेंगी जो क्या होगा? बुद्ध होगा। क्या होगा? बुद्ध। अभी ध्यान देना, होता ये है, ये बात है 564 ईसा पूर्व की। 564 ईसा पूर्व को मां महामाया गर्भवती हो जाती है। और जब मां महामाया गर्भवती होती है तो अपने 9वें महीने में वो कपिल वस्तु से अपने मैके जाती है। कहां जाती है? कपिल वस्तु से अपने मैके। तो करीब 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में जब वो कपिल वस्तु से अपने मैके, मैके मतलब क्या? रामग्राम। मैके मतलब क्या? रामग्राम। वो कहां से कहां जा रही है? कपिल वस्तु से कहां जा रही है? रामग्राम जा रही है। तो बीच में उनको एक जंगल मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? लुम्बिनी। क्या नाम होगा? लुम्बिनी। तो कपिल वस्तु के आगे में एक जंगल जिसका नाम क्या है? लुम्बिनी। इसी लुम्बिनी अरण्य में, इसी लुम्बिनी अरण्य में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में मां महामाया एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। और वही पुत्र रत्न आगे चलकर क्या बनेंगे? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ है? अब आप सब बोलोगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन कहां पर है? कपिल वास्तु के पास। तो आप क्या बोलोगे? कपिल वास्तु के समीप लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व को। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व को। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? मां महामाया। क्या नाम है? मां महामाया। क्लियर ये? क्लियर ये? अभी ध्यान दो, राजा अजन की एक और पुत्री थी। राजा अजन की जो एक और पुत्री थी उनका नाम था प्रजावती गौतमी। नाम क्या था? प्रजावती गौतमी। तो एक और पुत्री नाम क्या है? प्रजावती गौतमी। मतलब प्रजावती गौतमी कौन है? मां महामाया की बहन। मां महामाया की कौन है? ये बहन है। ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध जन्म लिए थे तो गौतम बुद्ध के जन्म लेने के 7 दिन पश्चात, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन पश्चात मां महामाया का निधन हो जाता है। मतलब वो जन्म देती है और जन्म देने के 7 दिन के बाद माता महामाया का क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। माता महामाया का क्या होगा? निधन हो जाएगा। तो उनके निधन के बाद
गौतम बुद्ध का लालन पोषण ऑब्वियसली कौन करेगी? प्रजावती गौतमी, क्योंकि वो उनकी क्या थी? मौसी थी। तो गौतम बुद्ध की मौसी कौन? प्रजावती गौतमी। और गौतम बुद्ध जन्म कब लिए? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध जन्म कहां लिए? आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कहां लिए? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहां पर है? कपिल वस्तु के पास। कहां पर है? कपिल वस्तु के पास। कब लिए? 563 ईसा पूर्व, 563 BC को। क्लियर? ये इतना कहानी क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हुआ ये, माता का निधन हो गया। किनका? माँ महामाया का। तो माँ महामाया के निधन के बाद होता ये है कि महात्मा बुद्ध को देखने के लिए एक महर्षि आते हैं। ये जो महर्षि थे, इनका नाम था ऋषि असित। क्या नाम था? ऋषि असित। तो मतलब यहां पर एक ऋषि मुनि आएंगे, और ये जो ऋषि मुनि है, इनका नाम क्या है? महर्षि असित। तो महर्षि असित आएंगे, किनको देखने आएंगे? किनको देखने आएंगे? बुद्ध को। बुद्ध अभी नवजात शिशु है। तो जब बुद्ध को वो देखते हैं, तो बुद्ध उनको देखकर हंसते हैं, और उनके चरण को वो अपने दाढ़ी में रखते हैं। कौन? महर्षि असित। जब वो चरण, जब वो बुद्ध का चरण अपने दाढ़ी में रखते हैं, तो अपने आप वो रोना चालू कर देते हैं। सुदन पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? अजित बोलते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आपका जो बेटा है, आपका जो पुत्र है, वो बुद्ध बनेगा। लेकिन जब ये बुद्ध बनेगा, तब मैं इस सृष्टि में, तब मैं इस पृथ्वी में, तब मैं इस धरती में नहीं रहूंगा। उस समय तक मेरा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो गया रहेगा। तो इनको मैं बुद्ध बनते हुए नहीं देख पाऊंगा। ये कौन बोला? महर्षि असित। ये कौन बोला? महर्षि असित। जिसके बाद जो सुदोधन है, वो थोड़े परेशान हो गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये बुद्ध क्या है, क्योंकि सुदोधन एक राजा था, और सुदोधन हमेशा ये मानता था कि मेरा पुत्र जो है, वो आने वाले समय में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जैसे मैं एक सम्राट हूँ, तो मेरा पुत्र भी क्या हो जाए? सम्राट बने। क्योंकि हर राजा का यही सपना होता है कि उसका सुपुत्र उसका क्या बने? उत्तराधिकारी बने। लेकिन यहाँ पर सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या बनने वाला है? बुद्ध बनने वाला है। तब उनका ये ध्यान आया कि हो सकता है बुद्ध से तात्पर्य बुद्धिमान से हो। मेरा पुत्र जो है, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक राजा जो बहुत क्या हो? बुद्धिमान हो। तभी अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो कौन कौन सुदोधन, सुदोधन करीब 8 ब्राह्मणों को यहां बुलाएंगे। कितने ब्राह्मण बुलाएंगे? 8 ब्राह्मण। और ये जो 8 ब्राह्मण है, ये जो 8 ब्राह्मण है, ये मिलकर इस बालक का क्या करेंगे? क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालांकि उससे पहले कौन? महर्षि असित ने बुद्ध का नामकरण कर दिया था। अब बुद्ध का नाम क्या हो गया था? सिद्धार्थ। क्या नाम हो गया था? सिद्धार्थ। तो आप बताओ कि